में जब आपके भाई की हत्या हुई थी, कौन कौन शख्स जो थे उस समय? यार लोग करीब 1-1.5 महीना से वहाँ पे किराया लेके रह रहा कौन था, लोग? जैसे कि प्रकाश हो गया, रजनी सर, यार सब इधर देख आईटीआई के ट्रेनिंग के नाम पे। ये हमें पुलिस बोले, मेरे जो केएसआईओ हैं वो बोले, यार ये लोग क्या है कि मेरे मोहल्ला में गली गली में घूरते फिरते रहते थे। बस तब जब हमको भैया फोटो दिखाए तब के भैया ये तो था, किस मामले में था, किस मामले में? मोहल्ले में घूर रहा था। मेरी भैया को जो हत्या हुई है, क्या नाम आपके भाई का? पप्पू मेहता, अमरजीत सक्सेना उर्फ पप्पू मेहता, कहाँ के रहने वाले हैं? लखीसराय। कब ये वारदात हुई थी, क्या हुआ था? 3 सितंबर को गोलियों से भून दिया गया करीब। वो लोग अच्छा 2-3 बाइक से थे, मगर सीसीटीवी फुटेज में तो एक ही बाइक दिख रहा है। स्थान कहाँ भून दिया गया था? महिला विद्या मंदिर मोड़ के पास। सीसीटीवी में ये सब दिखे थे? एक देखे हैं, श्री हम प्रकाश शुक्ला, दिखाते ये हैं ना दिखा रहे हैं मोबाइल में। फोटो। एक बैठी, हाँ एक सेकेंड भैया, दिखाइए इनको, दिखाइए। जो सूर्य प्रकाश है इसका दोस्त है, दोनों जो फोटो है इसमें दोनों दोस्त है, जो सूर्य प्रकाश इसका जो है सीसीटीवी में देखिए आप। पीछे जो बैठा हुआ है सूर्य प्रकाश है, देखिए, और आगे है जो रजनीश है। प्रशासन खोज रही है। हाँ जी, जो इसका दोस्त विजय शंकर खुद स्टेटमेंट में अपना कहा है, जो इसका दोस्त। यहाँ पे हम आपको पेपर दे दिए, आप पढ़ सकते हैं। पेपर में यह है कि हम लोग सब थे, ये लोग करीब 1 महीना से वहां पर रैकिंग कर रहे थे सब। आपको लगता है कि पुलिस के तरफ से न्याय मिला, सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी? नहीं, न्याय नहीं मिला, न्याय चाहिए हमको। आपके भाई का केस चल रहा है? जी चल रहा है, उसमें ये अपराध किया है, फरार है। हाँ हाँ, फरार है। ये क्या नाम है? प्रकाश राम, जो अभी सीसीटीवी फुटेज में है। अभी तक 164 का बयान इनके कहने, ये कह रहे हैं कि हमारा 164 का बयान दर्ज कराया जाए। अभी तक प्रशासन 164 का बयान दर्ज नहीं कराई है, जबकि भोला मुकेश का नाम उसने बोला है कि वो लोग अपराधियों को मोबाइल भवन में रखते हैं। और लिपि सिंह भी बोली थी, लिपि सिंह भी, कि मोबाइल भवन अपराधियों का अखाड़ा है। ये दोनों अपराधी जो पकड़ाया इसमें टोटल चीज कहे हैं। 164 का बयान हुआ आपको? नहीं हुआ 164 का बयान, और हमने इंस्पेक्टर साहब को भी कहा तो बोला कि हम डीएसपी सर से बात करके। कितना दिन हो गया घटना? घटना का आज 2 महीना हो गया ना, 3 सितंबर को घटना घटी थी। विजय शंकर पकड़ाया है वो, उसने गछा है, और इसमें आप लोग मीडिया बंधु आप लोग पढ़ लीजिए कि इसमें ये लड़का बोल रहा है जो कौशल यादव करके जो पकड़ाया है, वो खुलियाम बोल रहा है कि हम लोग मुकेश सिंह और भोला सिंह के लिए काम करते हैं और मोबाइल भवन में रहते हैं, जिसमें उसने प्रकाश राम सारा लोग का नाम